আমি রোজিদির কাছে আজকে কাটলাম, খুব ভালো স্যাটিসফাইড হলাম, খুব ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ রোজিদি। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोजीज़। मैं जो आज कटिंग करने जा रही हूँ उसका नाम है लेयर्ड बॉब हेयर कट। छोटे बालों में ये बहुत ही अच्छा लगता है और आजकल बहुत ट्रेंड भी चल रहा है इस कटिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कटिंग। पहले आप अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए बालों को, फिर उसके बाद आप सेक्शन कर लीजिए, हेयर टू हेयर पार्टिंग कर लीजिए और पीछे का भी बाल आप पार्टिंग कर लीजिए। फिर उसके बाद अच्छी तरह से बालों को भिगो लीजिए आप वाटर स्प्रे करके, और फिर एकदम नीचे का जो सेक्शन है आपको वहाँ से कटिंग शुरू करना है। और ये आपको कटिंग करना है 90 डिग्री में, बहुत छोटा छोटा करके, आप जितना भी छोटा कर सकें उसको आपको छोटा छोटा करके करना है, 90 डिग्री में कटिंग करना, छोटा छोटा करके। मशरूम टाइप का कटिंग होता है, पहले 90 डिग्री कटिंग कर लीजिए, पूरा बालों को एकदम छोटा छोटा करके 90 डिग्री कटिंग कर लीजिए पहले। उसके बाद आप एकदम स्ट्रेट करके कटिंग कर लीजिए। जितना आप ये बाल छोटा करेंगे उतना ही देखने में अच्छा लगेगा। फिर ऐसे ही आपको कटिंग करना है और फिर ऊपर का सेक्शन खोल के और सेकंड सेक्शन आपको लेना है, उसको भी आपको उसी गाइडलाइन में काटना है। नीचे का सेक्शन जिस गाइडलाइन में आपने काटा था उसी एक ही गाइडलाइन में आपको ऊपर का बाल भी काटना है। सेकंड सेक्शन आपको लेना है अभी और उसी गाइडलाइन से ये आपको 180 डिग्री में कटिंग करना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ये आपको 180 डिग्री में कटिंग करना है। ऐसे ही आपको एक के बाद एक सेक्शन खोलना है और एक ही गाइडलाइन में आपको कटिंग करना है। आपको एक ही गाइडलाइन में कटिंग करना है। ये कटिंग थोड़ा सा अनइवन रहता है, सामने थोड़ा सा बड़ा रहता है और पीछे का बाल आपका छोटा रहता है, तो सामने से लगता है थोड़ा सा बड़ा रहता है तो अच्छा लगता है ये कटिंग। ऐसा थोड़ा सा अनइवन आपको लगेगा लेकिन ये अच्छा लगता है। और फिर आपको ईयर टू ईयर जो पटिंग किया था वो आपको खोल के इसके साथ मिला के कटिंग करना है। इन बालों को थोड़ा सा बड़ा ही रखना है। आपका बाल थोड़ा सा बड़ा ही रखना है। देखिए तिरछा करके काटना है सामने आपको। आगे का बाल आपको थोड़ा सा बड़ा रहे और लेकिन पीछे के बालों के साथ गाइडलाइन मिला के ही आपको कटिंग करना है। और ऐसे आपको थोड़ा सा बाउंसी लुक आएगा।
बस ऐसे ही अभी जो एक तरफ का बाल मेरा हो गया है कटिंग, ऐसे ही मैं दूसरी तरफ का भी एक ही तरह से काट लूँगी। और ये दूसरे तरफ का सेक्शन भी मैंने खोल लिया है और फिर मैं इसको भी उसी तरह से एक ही गाइडलाइन में काटूँगी। ये थोड़ा सा सामने आपको लग रहा है कि बाल सामने थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जब ये इसको पीछे ले जाती हूँ तो इवन ही लगता है, सबके साथ मिल जाता है क्योंकि एक ही गाइडलाइन में मैंने काट लिया है इसको। तो दोस्तों ऐसे आप लेयर्ड बॉब कटिंग कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना। थोड़ा सा टेक्सचर दे सकते हैं आप, ऐसे टेक्सचराइज कर सकते हैं आप बालों को, थोड़ा सा ऐसे आप टेक्सचराइज कर लीजिए थोड़ा तो अच्छा लगता है, कटिंग और भी खुलता है, खुल के आता है। आप ऐसे करके चाहे तो थोड़ा सा टेक्सचराइज कर सकते हैं।